हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? तो यथार्थ में से फाइट कर रहे हैं कि इसको कोकोनट वाटर पीना है। ये देखो, आपको सर्दी हो रही है फिर भी पीना है कोकोनट वाटर। हाँ, कितने भी होंगे भाई, मैं नहीं पहला को दे दो। क्या बोलने कर रही हूँ, मैं मेरा खत्म नहीं हुआ, मैं नहीं पी पाऊंगी। गाइस, तो हम लोग पलक कहाँ जा रहे हैं आज? हम चित्रकूट जा रहे हैं। यस, हम लोग चित्रकूट जा रहे हैं घूमने के लिए। हाँ बेटा, मम्मा मम्मा की जा ये कोकोनट वाटर के पीछे बड़ा। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं आज शॉर्ट रोड ट्रिप पे, ठीक है ना? सो हमारी ये यादगार मेमोरी होने वाली है। सब जो भी मस्ती करते आज के सारे दिन आप समझ शुरू करेंगे। ये हमारी पलक, आज सब संस्कारी लड़की बन के आई हुई है सूट वूट पहन के। तो गाइस, अभी हम लोग पीछे शिफ्ट हो गए। आपको पता है क्या खा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं कामतनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए। सो आई थिंक पट ओपन हो, बस ये लग रहा है ना पलक, पट ओपन हो। सो चलिए चलते हैं। और हम लोग ने आज पहना सोचा था कि हम लोग सूट पहन के आएंगे, मतलब मैं प्रॉपर सूट नहीं बना, पलक ने थोड़ा अनारकली सूट पहना, मैंने कुर्ती पहनी हुई है। यथार्थ के डैडी आगे आगे जा रहे हैं। एक बार बताओ, दिसंबर का टाइम चल रहा है, मौसम के क्या हाल चाल है? बहुत गर्मी है, ऐसा लग नहीं रहा है कि दिसंबर चल रहा है, ऐसा लग रहा है मार्च चल रहा है कि सर्दी आके चली भी गई। अच्छा हुआ पता है हम साइकिल में नहीं आए, गाड़ी में है, बाकी शाम को जब ठंड लगेगी तब पहन तो पहन लेंगे। और यथार्थ को भी हमने बहुत ज्यादा वो नहीं कपड़े नहीं बनाए। हाँ, बेबी शार्क, उसके बाल देखो जो कट गया है। वो बड़े को पहाड़ है, बहुत सारी शॉप्स है यहाँ पे। ये देखो, अरे वाह बीबी, छोटा बीबी, ये देखो ढेर सारी शॉप्स रहते हैं यहाँ पे। हम आपको बहुत अच्छी है ना। हाँ, और हम आपको पूरे चित्रकूट का दर्शन करवा रहे हैं। ये देखो ढेर सारी शॉप्स। अभी हम लोग पैदल पैदल चलेंगे, पहुँच गए हैं और अभी हम चलते ऊपर दर्शन करके आते हैं। लास्ट टाइम हम तब आए थे जब यथार्थ मेरे पेट में था, मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पता है फलक। और दिशु ने तो मानता मानी थी कि मैं दीदी का बेबी होगा तब हम उसको लेके आएंगे यहाँ पे। सो दिशु तो आज आई नहीं है, बट हम लोग आए हुए हैं मानता पूरी करने के लिए। दिशु साथ में भी आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। आप नारियल फोड़ दो, लड़के फोड़ते हैं नारियल। नहीं नहीं, फिर से फोड़ दो आप, और दूसरे भी रखे हुए। ये देखो मंकी है, मंकी देख रहा है। अरे बाबा, अरे कितने सारे मंकी, कितने सारे मंकी। हाँ हाँ, ये बहुत हैरान है। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं। यथार कॉटन कैंडी खाएगा क्या? कॉटन कैंडी खाएगा? नहीं खाएगा, पूरा लगा और लेगा, अपने पूरे कपड़ों में फैला देगा। बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके भगवान जी के दर्शन भी करके। और पता है आपको, यथार इतना हैप्पी हो गया। वैसे उसको भगवान जी और भगवान जी के गाने म्यूजिक और बहुत अच्छा लगता है, ताली बजाने लगता है, खुद ही क्लैपिंग करने लगता है, भगवान जी के मंदिर आरती करने। लोग आगे हो गए, रूम लेते हैं, थोड़ा फ्रेश नैप होते हैं, देना फिर बलसाने का हो रहा था, पर क्या है अभी तो भैया भी कैंसिल हो गया है, कल उन्हीं के साथ हो रहा था आने का। हाय पलक, क्या कर रहे हो तुम? ये रहा हमारा रूम, बहुत ही प्यारा सा रूम है ये। ये देखो यहाँ पे ये कबर्ड है, एंड हियर इज मी। ये सो फ्रेशन अप होंगे और यथार्थ को थोड़ा चेंज वगैरह करेंगे। सुबह से तो उसका डायपर भी चेंज नहीं करा मैंने, है ना पलक? यहाँ पे आ गई हमारी कॉफी।
हम लोग ना अभी इस वाले रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे बड़ा रूम हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में पलक भी है, बच्चा भी है साथ में, इस वजह से पलक कह रही है मेरे को दूसरा रूम दिलवा दो और मैं कहनी तुम्हारे साथ ही रहो। तो ऐसे बड़ा रूम होगा वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग बेड होंगे। हाँ हाँ ये अभी हम आ गए, हमारे सबके जो बेड्स हैं वो अलग हैं और ये सबसे बड़ा रूम है यहाँ का, है ना पलक, अच्छा है ना ये? ये बहुत अच्छा है, हाँ मतलब उससे काफी ज्यादा बड़ा है ये, ये देखो बहुत ही प्यारा है। अब नहीं उतरने देंगे, बहुत शैतानी कर रहा है ये लड़का, बहुत शैतानी। तो अभी हम लोग जिस होटल में आए ना, सच बता रहे हैं, मतलब जब भी हम लोग ना चित्रकूट आते थे तो ये चीज़ रहती थी कि सबसे ज़्यादा हम ये देखते थे कि यार होटल कोई अच्छा मिल जाए। तो सच बता रहे हैं यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जो भी नेम वगैरह हूँ सारा कुछ मैंशन कर दूँगी। तो अगर आप लोग आओ ना चित्रकूट, आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा शांति है यहाँ पर। मैं यहाँ की विंडो ओपन करके देख रही हूँ, एकदम शांति है। यथार्थ के डैडी मस्ती कर रहे हैं और रूम भी काफ़ी बड़ा है, मतलब एक डबल बेड हमको मिला है, दो सिंगल बेड मिले, तो मतलब पलक भी एडजस्ट हो जाएगी, देन एक सोफा भी है, तो बहुत ही प्रिटी सा रूम है। सारी चीजें तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि अभी लंच टाइम हो गया, इस वजह से गंगा आरती में जाएंगे और हमें बहुत सारी जगह भी घूमेंगे, गुफ्त गोदावरी भी जाएंगे और जिस होटल में हम लोग रुके हैं पीटी भैया भी हैं, सो वो हमें सारी जगह घुमाएंगे और आप लोग भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो आके। मतलब चित्रकूट तो देखो हर कोई आता ही है, ऐसी जगह है भगवान जी की। तो हमें ना होटल में जो रिसेप्शन पे भैया बैठते हैं तो उन्होंने हमें बताया था कि एक पास में ही एक होटल है, तो आप वहाँ जाके लंच कर सकते हैं, तो बस हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। और वेदर इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब देखो बाल उड़ उड़ के जा रहे हैं तो, और ठंड बहुत ज़्यादा नहीं थी, नहीं तो अगर हम आपको दिखते स्वेटर पहने हुए जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो अभी एक रिसॉर्ट है यहाँ पे, गाइस पलक ऊपर जा रही है, यहाँ पे ऑरेंज लगे हुए हैं उसकी चोरी करने के लिए। यार सच में वाकई कितने बड़े बड़े लगे ब्रो। हाँ यार धीमे से यार फिर देखने ले। क्या पकड़ के जा रहा है इसको, पकड़ पलक। मैं कहाँ चोरी करूँ, कामयाब हुए हम चोरी में, देखो क्या सब लोग ऐसे ट्राई ना करें, बहुत गलत बात है। पर मैं कर सकती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे लंच अवेलेबल नहीं था, लंच टाइम निकल गया था, इसलिए हम कहीं और जाएंगे। अब अभी बता दूं ने मैंने क्या किया। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे लंच करने के लिए, अच्छी लग रही है, तब जाके हमें कुछ मिला है खाने के लिए। ये चोखा है, इनको बदलना। तो अभी ना यथार्थ हो गया और अभी हम आए हुए हैं आरोग्य धाम। तो यहाँ पे ना नदी में ज्यादा पानी नहीं है, पानी का बहाव आ रहा व्यू आ रहा है पीछे से, पानी की ना आवाज आ रही है, पर गंदा पानी है, मतलब बहुत ज्यादा पानी नहीं है। पहले हम लोग आए थे काफी टाइम पहले, तब काफी ज्यादा पानी था, तो अच्छा भी लगता था, यहाँ पे लोग नहाते भी थे, अभी कुछ नहीं ऐसा है ना, काफी गंदा है, फिश भी है यहाँ पे छोटे। हम लोग बहुत ही प्यारी सी जगह है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है और इसी बार अपन पैदल आए थे, गाड़ी नहीं आई थी ना, तो पूरी फैमिली आई थी हम लोग साथ में। बीबी सो गया हमारा, ये चोर हमारा दूसरी जगह गया चोरी करने के लिए, ये देख रहे हो कहाँ पे, ये देखो। क्या चोरी करके लाइए। ये चोरी करके लाइए, क्या किया है ये, मैंने अपनी मेहनत से तुम्हारे लिए कुछ बनाया, मेहनत नहीं चोरी से। अब वो चलो ठीक है, ये तो मेहनत कर रही हूँ ना मैं, काम करो, चोरी तो तब होगी जब डीजल है ना, डीजल। ये देखना मासी को कहाँ पे चोरी करने के लिए चढ़ी हुई इमली, हाँ इमली खानी है इनको, इमली है भी, इमली का सीजन है,
और अगर ये यथार्थ रूट के बैठ गए हैं तो अभी ना हम लोग आ गए हैं घाट के पास में। छोटे छोटे से जो बच्चे होते हैं ना वो दिए लेके आगे पीछे घूम रहे थे कि दीदी आप दिए ले लो। अब हम तीन लोग थे तो फिर बच्चे जिद करने लगे तो फिर हमने चार दिए ले लिए और अभी हम जाके ना बोट पे उसको मतलब सिराएंगे। अभी हम लोग आगे बोर्ड पे बैठ गए हैं और यथार्थ सुना कपड़े पहना देते हैं, उसको कपड़े नहीं पहने। मैंने सोचा था उसको मैं लास्ट में पहना दूंगी जैकेट क्योंकि ठंड हो गई है यहाँ पे। इसको पकड़ना मुझे थोड़ा और इनका ना यहाँ पे बड़ा ही मन था कि मैं बोटिंग करूँ। मैंने कहा यार उन लोग को कहीं डुबा मत देना बोटिंग के चक्कर में, बट सच बता रहे हैं उन लोग की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। जब इन्होंने खुद ट्राई करा तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही थी और वो छोटा सा बच्चा है मतलब कितना दुबला पतला सा ईजिली कर ले रहा था क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होती है इस वजह से। और यहाँ पे हमने बहुत ही प्यार सा म्यूज़िक लगा के रखा था, वही हम लोग सुन रहे थे। और जो आरती है ना वो भी होने वाली है तो बस आरती का वेट कर रहे थे कि आरती हो जाए उसके बाद में ही हम जाएंगे। वैसे हमने काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड करा, यथार्थ को ना अच्छी तरीके से ना पूरा कवर कर दिया था क्योंकि मैं वेट करते थोड़ा शाम हो जाएगी थोड़ी ठंडक हो जाएगी तब मैं उसको कवर कर दूंगी। और नदी के पास तो वैसे ही ठंडक होती है तो फिर क्या हुआ, बस हमने जो दिए लिए हुए थे तो वो हमने जलाए और फिर एक एक करके ना हम सब ने उसको नदी में सिराए और एक एक विश मांगी। सो बस यही एक रील भी था जो मैंने शूट करवाया था पलक से और इंस्टाग्राम पे हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। सो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। और यहाँ पे यथार्थ ने एकदम छोटा सा क्यूट सा रैबिट लग रहा था पिंक कलर का वो भी। सो वैसे आई थिंक इसने यथार्थ ने ना पिंक कलर का कोई आज तक नहीं पहना है आउटफिट, तो फिर मैंने कहा कि चलो आज मैं इसको पहना देती हूँ। उसको चलने को चाहिए। कहाँ जा रहा है? आरती शुरू हो गई गाइस, ये देखो वहाँ पे हमें बहुत दूर से दिख रहा है। वहाँ की ना पूरी भीड़ ना इधर पे आ रही है, कितना बड़ा एरिया है ये। हम लोग नदी के इस पार हैं। भले मासी को देख ला हाय मेरा राबे, मेरा क्यूट क्यूट रैबिट। चलो अंदर रूम में चलते हैं, चलो आ जाओ। उसको मैं भी अच्छी लग रही। कैप मैंने इसको हटा दे गाइस। हम लोग यथार्थ को ना कार्टून दिखाए थोड़े एयरली शांत रहे तो कल पलक की शक्ल ही देखे जा रहा है वो तब से मासी क्या कह रही है। डांट रहा है पलक को। माशी माशी देखना क्या कर रही है क्या है।